अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज हम लोग सरलीकरण सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि सरलीकरण में का का भाग का गुणा का जोड़ का घटाव का चिन्ह दिया हो तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले का यानी कि गुणा का काम करेंगे, फिर उसके बाद भाग का काम करेंगे, फिर गुणा का काम करेंगे, फिर जोड़ का काम करेंगे, फिर घटाव का काम करेंगे। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे जोड़ गुना भाग दिया गया है, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पे भाग है उसके बाद गुना है, फिर जोड़ फिर घटाओ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग का काम करेंगे, तो ये 18 पर लिख लेंगे और प्लस 6 से 12 में भाग देंगे तो कितना बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, फिर गुना 3 लिखेंगे। अब हम किसका काम करना है, जोड़ और गुना है, तो पहले गुना है इसलिए हम गुना का काम करेंगे और 18 को पहले लिखेंगे और 3 × 2 = 6, फिर यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है तो इसको हमको सिंपली जोड़ लेंगे और लिख देंगे तो 18 × 6 = 24, यही हमारा आंसर होगा। फिर एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसको हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हमें भाग गुना घटाव दिया गया है, तो सबसे पहले हम भाग का काम करेंगे, 3 से 3 में भाग देंगे तो कितना बार कटेगा, 1 बार, माइनस 1 बचेगा, फिर गुना 3 प्लस 3 × 3 − 3 लिख लेंगे। अब हमें गुना का काम करना है, तो गुना कहाँ कहाँ है, यहाँ और यहाँ, तो इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे और इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे, तो −1 × 3 कितना हो जाएगा, −3 और प्लस 3 × 3 कितना होगा, 9, तो यहाँ 9 लिखेंगे और −3। अब हम क्या करेंगे, माइनस वालों को जोड़ के एक साथ लिख देंगे और प्लस वालों को एक साथ, तो माइनस वाला क्या है, −3 और −3 कितना हो जाएगा, −6 और प्लस वाला तो एक ही है तो +9 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस है यानी कि घट जाएगा, तो −6 और +9 तो कितना हो जाएगा, 9 में 6 = 3, यानी कि हमारा आंसर 3 होगा। सबसे पहले हम का काम करेंगे और का काम गुना जैसा होता है, तो 8 और 9 के बीच का है, तो 8 और 9 के बीच हम गुना करके लिख लेंगे, तो 8 × 9 कितना होगा, 72, और बाकी का जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देंगे, भागा 3 + 9 − 4। फिर अब हम क्या देखते हैं, भाग है, जोड़ है और घटाव है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, भाग का काम, तो भाग 3 से 72 में भाग देंगे तो कितना बार कटेगा, 24 बार, तो हम यहाँ पे 24 लिखेंगे और बाकी का +9 और −4 लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, जोड़ का काम करना है, तो यहाँ पे जोड़ है तो 24 और 9 को जोड़ देंगे और जितना होगा उतना लिख देंगे, 24 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 और −4। फिर हम क्या करेंगे, 33 में से 4 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 29, 33 में से 4 घटाएंगे कितना, 29, यही हमारा आंसर हुआ। फिर हम अगला एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे भाग का गुना घटाव जोड़ सभी दिया गया है एक साथ, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, का काम करेंगे, तो का किसके बीच है, 3 और 6 के बीच, तो बाकी जैसे है वैसे लिख लेंगे, 72 को हम लिखेंगे और भाग का चिन्ह देंगे, उसके बाद 3 और 6 के बीच का चिन्ह दिया गया है, तो का मतलब गुणा करना होता है, यानी कि 3 और 6 में हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, 18, और बाकी जैसे है वैसे लिख लेंगे। फिर अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, भाग का काम करना है हमें, का के बाद भाग का काम, तो भाग कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे, तो जहां जहां भाग है वहां वहां हम भाग का काम करेंगे, तो 18 से 72 में भाग देंगे तो कितना बार कटेगा, 18 × 72 यानी कि 4 बार, और बाकी फिर वैसे +3 और गुने लिखेंगे, और इसके बाद 6 और 3 के बीच भी भाग का चिन्ह है, तो 3 से भाग देंगे 6 में तो कितना बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा, और फिर उसके बाद −6 लिखेंगे। फिर अब आगे चलते हैं, जोड़ है, गुणा है, घटाव है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, गुणा का काम करना है, तो हम पहले गुणा का काम करेंगे और 4 को पहले लिखेंगे और प्लस 3 × 6 और −6 लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जोड़ का काम करना है, तो 4 और 6 को जोड़ देंगे, 6 × 4 कितना होगा, 10 और −6। अब हम क्या करेंगे, 10 में से 6 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 4, ये 4 हमारा आंसर होगा। आइए फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं।
इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले का काम करेंगे। तो यहाँ पे माइनस 24 लिखेंगे भागा और 6 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और बाकी जैसे है वैसे लिख लेंगे। माइनस 11 गुना 2 प्लस 9 भागा 3। फिर अब हमें किसी का काम करना है तो भाग का काम करना है, और भाग यहाँ है और यहाँ है, तो 12 से 24 में भाग देंगे तो कितना बार कटेगा 2 बार, तो माइनस 2 होगा। फिर बाकी माइनस 11 गुना 2 लिखेंगे। फिर हमें 3 से 9 में भाग देना है तो कितना बार कटेगा 3 बार कटेगा, 3 9 ये प्लस है तो इसलिए प्लस में 3 मेरा बचेगा। फिर आगे अब हम क्या करेंगे, घटाव है, गुणा है, जोड़ है, तो पहले हमको किस चीज का काम करना है, गुणा का काम करना है। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे, यहाँ पे माइनस 2 लिखेंगे और माइनस 11 गुना 22 प्लस 3 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले जोड़ का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस में है और ये भी माइनस है, जब दो संख्या माइनस में दिया होता है तो उसको जोड़ करके माइनस में लिखते हैं, इसलिए माइनस 2 और माइनस 22 कितना हो जाएगा माइनस 24 हो जाएगा। फिर प्लस 3 लिखेंगे, अब एक संख्या माइनस में दिया गया है और दूसरी संख्या प्लस में दिया गया है, तो माइनस प्लस माइनस यानी हमें इसे घटाना होगा, तो 24 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 21, कितना माइनस 21 आंसर होगा। फिर आइए एक और भी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर का काम करेंगे, तो का 2 और 6 के बीच में दिया गया है तो यहाँ पे 96 लिखेंगे, प्लस 6 गुना कितना होगा 12, और प्लस 9 गुना 3 लिखेंगे, प्लस 24 भागा 2 लिखेंगे। अब हमें किसका भाग का काम करना है, भाग का काम करना है, तो 96 प्लस 12 प्लस यहाँ पे 9 गुना 3 प्लस 2 से 24 में भाग देंगे तो कितना बार कट जाएगा 12 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। फिर आगे क्या करेंगे, हमें गुना का काम करना है, तो 96 प्लस 12 प्लस इसको गुना करके लिखेंगे तो 9 3 27 प्लस 12। अब हमें क्या काम करना है, प्लस में, चूंकि सब प्लस में है इसलिए सबको जोड़ के लिख देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 7 9, 9 2 11, 11 6 17 का 7 हासिल 1 1 1 2 2 2 4, 1 5 5 9 14, यानी कि 147 हमारा आंसर होगा।